हेलो दोस्तों, अपनी पिछली वीडियो में हमने देखा था हेडिंग्स और पैराग्राफ के बारे में। इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर हमें HTML के थ्रू किसी इमेज को डिस्प्ले करना हो या फिर हमें HTML में किसी पर्टिकुलर लिंक को डिस्प्ले करना हो या कोई लिंक बनानी हो तो वो कैसे बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अपने इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे दो चीज़ें। सबसे पहले कि अगर हमें HTML में कोई इमेज बनानी हो, HTML में कोई भी इमेज डिस्प्ले करनी हो तो वो कैसे करेंगे, और दूसरी चीज़ अगर हमें HTML में कोई भी लिंक बनानी हो तो वो लिंक हम कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं इमेज। ठीक, मैंने आपको बताया था कि जब कभी भी हम कोई HTML5 का डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो उसका डॉक टाइप डिक्लेरेशन होता है। ठीक है, सबसे पहले डॉक टाइप HTML। ठीक है, अब इस डॉक टाइप HTML के बाद में हम क्या करते हैं, HTML टैग लिखते हैं। ठीक है, और इस HTML टैग को, ठीक है, क्योंकि टैग्स पेयर में एग्जिस्ट करते हैं और इन दोनों के बीच में लाई करता है हमारा वेब पेज। दोस्तों, अगर हमें कोई इमेज इंसर्ट करनी है तो उसके लिए हम इमेज टैग को यूज़ करते हैं। ठीक है, इस इमेज में हम एक SRC एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं। SRC एट्रीब्यूट में हम उस इमेज का एड्रेस डालते हैं। यहाँ पर आएगा इमेज का एड्रेस। ठीक है, और उसके बाद में हम इस में एक ALT एट्रीब्यूट भी डालते हैं। ALT एट्रीब्यूट का नाम होता है, मतलब होता है कि अल्टरनेटिव टेक्स्ट। अल्टरनेटिव टेक्स्ट का मतलब है, सपोज अगर किसी केस में इमेज डिस्प्ले नहीं हो पा रही है तो उसकी जगह पर कोई टेक्स्ट डिस्प्ले होगा। वो टेक्स्ट क्या होगा वो आप अपने आप डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद में हम इसको बंद कर देते हैं। ठीक है, आप क्योंकि टैक्स पेयर में एग्जिस्ट करते हैं तो लीजिए इमेज को हमने यहाँ पर क्लोज कर दिया। अब यहाँ SRC में जो इमेज का एड्रेस है वो हम देखें, देखें यहाँ से हमने इमेज का एड्रेस ले लिया और ले आ करके यहाँ पर पेस्ट कर दिया। ठीक है, लेकिन ये इससे क्या होगा, हम डी ड्राइव के अंदर पहुँच जाएंगे लेकिन इस इमेज को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो हम क्या करेंगे, इस इमेज की प्रॉपर्टीज़ खोलेंगे और इसका नाम यहाँ से कॉपी कर लेंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद में इसे यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। ठीक है, अब इसे हमने कर दिया सेव, कंट्रोल एस से सेव। फिर हम डेस्कटॉप में जा कर के, मैंने अपने लिए एक डी ड्राइव में अलग से फोल्डर बना रखा है, सॉरी दिस PC, या डेस्कटॉप पे सेव कर देते हैं HTML4.htm। ठीक है, जितनी भी फाइल्स होती हैं वो .htm एक्सटेंशन के साथ में सेव कर जाती हैं, एंटर। ठीक है, हम जाते हैं डेस्कटॉप पर। देखिए ये आ गई हमारी इमेज। दोस्तों, अगर ये इमेज ना आती तो इस इमेज की जगह पर हमने जो ये अल्टरनेटिव टेक्स्ट लिखा था गुडविल, ये डिस्प्ले हो जाता। ठीक है, तो एक और चीज़ है दोस्तों, अगर हमने यहाँ पर अपनी इमेज की विड्थ और हाइट नहीं स्पेसिफाई करी, ठीक है, तो अगर हम विड्थ और हाइट भी चाहें तो अपनी इमेज की डिस्प्ले कर सकते हैं। सपोज हम 100x100 की 100x100 पिक्सल की कोई इमेज को डिस्प्ले करना चाहते हैं। ठीक है, तो हमने इस वाली इमेज की जो ये डी ड्राइव में गुडविल थी इसकी हमने एक पर्टिकुलर डायमेंशन दे दी कि उसकी जो विथ होगी वो 100 पिक्सल होगी और जो उसकी हाइट होगी वो भी 100 पिक्सल होगी। तो इसको हम रीलोड करते हैं, 100x100 की ये हमारी इमेज बन गई। अब इसमें हम विथ को बढ़ा करके 800 कर देते हैं और हाइट को कर देते हैं 1000। सो इसे यहाँ पर सेव करा, यहाँ पर फिर से रीलोड करा, तो देखिए आप ये इस स्पेसिफिकेशन की एक इमेज डिस्प्ले हो गई।
ठीक है। और अगर हम स्पेसिफिकेशन ना लगाएं तो उसकी जो ओरिजिनल स्पेसिफिकेशन होगी, जो ओरिजिनल विथ और हाइट होगी, वो डिस्प्ले हो जाएगी। ठीक है, तो ये तो था हमारा दोस्तों इमेज। दोस्तों अब हम देखते हैं कि किस तरीके से हम एक लिंक बना सकते हैं HTML के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले भाई डॉक टाइप डिक्लेरेशन का यूज करेंगे। उसके बाद में HTML टैग, ठीक है, इस HTML टैग को हम क्लोज कर देंगे। अब दोस्तों जो हमारी लिंक बनाते हैं उसके लिए एक टैग यूज होता है, जिसे हम ए टैग का नाम देते हैं। ठीक है, इस ए टैग को बनाया और इस टैग को क्लोज कर दिया। अब जो हमारी स्पेसिफिकेशन होगी, यानी कि जो हमारी लिंक होगी, जिस लिंक पे हमें जाना है, उस पर्टिकुलर लिंक को हम इस पर्टिकुलर एट्रीब्यूट, जिसको हम एच रिफरेंस यानी कि हाइपर रिफरेंस के अंदर डिस्प्ले कर देते हैं। ठीक है, उसको हम इसके अंदर यहाँ पर रखेंगे। ठीक है, तो हमें जाना है सपोज https www.google.co.in। ठीक है, सपोज हमें गूगल खोलना है, तो फिर हम एच रिफरेंस में उसकी URL को डाल देंगे। ठीक है, या जिस भी हमें पर्टिकुलर URL पे जाना है, उस URL को हम एच रिफरेंस या एट्रीब्यूट इक्वल टू और डबल कोट्स लगा करके उसके अंदर डाल देंगे। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद में यहाँ पर हम उस पर्टिकुलर लिंक को अगर कोई नाम देना चाहते हैं, सपोज मैं उस लिंक को नाम देना चाहता हूँ, दिस इज अ लिंक। ठीक है, तो मैंने उस लिंक को ये नाम दे दिया, दिस इज अ लिंक। ठीक है, तो जब कभी भी हम कोई लिंक बनाना चाहते हैं तो हम उसके लिए ए टैग का यूज करेंगे। ए टैग के अंदर हम एच रिफरेंस नाम की एक एट्रीब्यूट का यूज करते हैं, जिसके इक्वल टू में हम डबल कोट्स करके एक पर्टिकुलर वेबसाइट या फिर उस पर्टिकुलर यूआरएल को डाल देते हैं जिस पर हमें उस लिंक के थ्रू जाना है। ठीक है, सपोज अगर हमें गूगल पे जाना है तो हम गूगल डॉट को डॉट इन डाल देंगे, और अगर हमें उस लिंक को कुछ नाम देना है तो यहाँ पर आकर के हम उस लिंक को नाम दे देंगे, दिस इज अ लिंक। ठीक है, उसके बाद में हम उस ए टैग को क्लोज कर देंगे। तो जो हमारा जो URL बनाने के लिए, किसी भी लिंक को बनाने के लिए हम ए टैग का यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसको हम सेव कर देते हैं। HTML5.htm एक्सटेंशन के साथ में, ठीक है, और अब इसको जरा हम चला के देखते हैं। दिस इज अ लिंक, ठीक है, ये लिंक का नाम है। अब जब हम इस पर क्लिक करेंगे, देखिए ये गूगल खुल के आ गया। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आप अपनी कोई भी लिंक HTML में बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी बताना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।